हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेटेस्ट और बीबस का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जब से बॉर्न हुआ है, जब से पैदा हुआ है, तब से मदर के लिए से जुड़ा हुआ है। जब वो उसे छोड़ेगा तब काफ़ी उसे दिक्कत होती है, बच्चे को भी और मदर्स को भी, क्योंकि जब बच्चा पेट छोड़ता है तब माँ की ब्रेस्ट में कई बार दूध भर आता है, लीकेज होने लगती है, गांठें बन जाती हैं, यहाँ तक कि मदर्स को फीवर भी हो जाता है। ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम होती है मदर्स को, इसीलिए जब आप ब्रेस्ट फीड छुड़वा रही हैं तो इन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। इसका क्या इलाज है, इसके बारे में आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप उस टाइम क्या कर सकते हो। मगर जब आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाने जा रही हैं, कुछ बातें उनका ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले हम मदर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी और मेंटली भी, अगर आप उसे ब्रेस्ट फीड छुड़वाना चाहती हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, ज़िद भी करेगा। अगर आप स्ट्रांग होगी तभी आप उसे ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकेंगी। हर मदर्स का अपना एक्सपीरियंस अलग होता है, कुछ बच्चे पर कोई ट्रिक काम करती है, कुछ बच्चे पर कोई ट्रिक काम करती है। ये नहीं कि जो एक बच्चे पर काम की वो दूसरे पर भी काम कर जाए, इसी अलग अलग ट्रिक आजमाते रहें, क्या पता कौन सी ट्रिक आपके बच्चे पर काम कर इसमें जाए। कोई एज मेंशन नहीं होती कि बच्चे को इसी एज में आपको फीड छुड़वानी है, क्योंकि वो जल्दी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितना बच्चा बड़ा होगा उसे फीड छुड़वाने में उतनी ही दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा बाद में समझने लगता है हर जितनी बात जल्दी को। हो जाए अगर उतनी जल्दी आप फीड फीड छुड़वा छुड़वाने लेना। चाहिए, वैसे भी जब बच्चा सॉलिड लेना शुरू कर दे तब आप उसे फीड छुड़वा सकते हो। के साथ शेयर करूं तो मैंने अपने बच्चे को 2 साल की एज में ही ब्रेस्ट फीड छुड़वा दी थी। जब टीथिंग निकाल हो रहा होता है, जब कोई और एक्टिविटी कर रहा होता है, उसके अंदर मेजर चेंजेस हो रहे होते हैं, तब आपको उसे ब्रेस्ट फीड नहीं छुड़वानी, क्योंकि उस टाइम अगर आप ऐसा करोगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा पहले से ही इरीटेट होता है उन चीज़ों से। तो जब आप उसे ब्रेस्ट फीड छुड़ाने जाओगे तो वो ज़्यादा इरीटेट होगा, इसीलिए उस समय उसे ब्रेस्ट फीड ना छुड़वाए तो अच्छा है। जब आपने सोच लिया कि आप उसे ब्रेस्ट फीड छुड़ाएंगे, तब उसका अल्टरनेट जरूर सोच लें कि आप उसे उसके अलावा क्या देंगे, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड पर उसे आपके पेट से ही कैल्शियम मिल रहा था, जब वो छोड़ देगा तो उसे कैल्शियम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको दूसरा दूध उसे देने की ट्राई करनी है, क्योंकि अगर वो दूसरा दूध लेगा तब उसे उसको कैल्शियम मिलेगा। इसीलिए उसे बोतल में दूध दे सकती हैं या सिप्पर में दे सकती हैं, या फिर अगर इन चीज़ों में बच्चा नहीं ले रहा तब आप उसके लिए एक अच्छा सा कप लेकर आए, एक कार्टून वाला जो उसे काफ़ी अच्छी शेप भी पसंद हो, वो कप लेकर आ सकती हूँ, उसी उसमें दूध ऑफर करें। अगर उसे रंग की प्रॉब्लम तो उसका रंग चेंज कर सकते हैं दूध का, उसमें कोई पाउडर डाल सकते हैं, बहुत से फ्लेवर आते हैं वो उसमें डालकर दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि 1 साल के बाद तो आप बच्चे को हर चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम बन चुका होगा। इसीलिए आप डॉक्टर से ही पूछ कर उसके लिए कोई अच्छा सा फ्लेवर ले सकते हो जो उसके लिए हेल्दी भी हो और अच्छा भी हो। उसे दूसरा दूध देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं दिया तो उसमें कैल्शियम कमी आ सकती है, इसीलिए उसे दूसरा दूध जरूर इंट्रोड्यूस कराएं। उस टाइम जरूर ट्राई कीजिए उसे देने के लिए, जब आप उसे ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की छोर सोच रहे हैं, पहले उसे वो देना शुरू करिए, उसकी आदत बन जाएगी, तब उसे ब्रेस्ट फीड छुड़वाएं ताकि उसमें कैल्शियम की कमी ना आए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे में कैल्शियम की कमी आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जब आप फीड छुड़वाने जा रहे हैं कुछ बातें उनका ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।